इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस तरह का कैप कैसे बनेगा, आर्मी कैप। कपड़े को डबल फोल्ड कर लो, फिर 2.25 इंची और यहाँ से 5.5 इंची इस तरह से गोलाई कर लो। गोलाई करने के बाद में ये पैटर्न तैयार हो गया। अब इसी नाप से काट लो, 4 पीस कटेंगे इस टाइप के, 4 पीस काट लीजिएगा और इस टाइप का 1 पीस कटेगा। एक साइड से थोड़ा कम काटिएगा, ये इस साइड से कम काटिएगा 1/2 इंची इस टाइप से आप काट लीजिए, ये सामने में रहेगा। ये 7 इंची यहाँ से 5.5 इंची गत्ता का काट लीजिएगा, या कोई टोपी उपी हो पुराना उसका निकाल लीजिएगा और इस टाइप का कोई फोम सा ले लीजिएगा, इसको डबल में काट लीजिएगा। कच्चा सिलाई लब पे सिल लीजिए, दोनों साइड में सिल लीजिए कच्चा सिलाई लब पे। इसको फिर मोड़ करके एक चाप पे सिलाई कर लीजिए, तो सिल गया। अब दो को लीजिए, दो कपड़े को इस टाइप से एक चाप से सिल लीजिए और इस पर लब सिलाई दोनों साइड चला लीजिए इस टाइप से। 3 को जोड़ लीजिए इधर और 1 को इस 2 वाले में भी सिल दीजिएगा इस टाइप से। कोई दिक्कत आए तो कमेंट ज़रूर करें। इस टाइप से सिल लीजिए, ये तीसरा रख के इस तरह से सिल लीजिए एक चाप पे। और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने का दिल ना हो तो लाइक तो ज़रूर कर दें। इस तरह से आप रख करके सिलाई कर दीजिए इसको। इसको सिलाई करने के बाद में इसमें भी लब सिलाई चला दीजिएगा दोनों साइड से और ये सामने वाला बना लीजिए हैट का। हैट का मार्का मार लीजिए पहले, उसके बाद में इसी पे सिलाई चला दीजिएगा इस टाइप से। सिलाई चलाइएगा, ये सिलाई इस तरह से चलाइए। नीचे वाले कपड़े को खींचिएगा, ऊपर वाले कपड़े को लूज छोड़िएगा, नीचे वाले कपड़े को खींचना है, तब जाके गोल होगा ये, तब जाके ये मुड़ेगा। करीब खिंचाव में 1/2 इंची खींच जाना चाहिए। जो नीचे वाला कपड़ा था उस पर एक साइड मोड़ करके काला वाले पे सिलाई चला दीजिएगा लब पे, वो सिलाई अंदर के साइड में चला जाएगा। और प्लास्टिक के साइड में सिलाई चला दिए हैं ये वाला किनारी पे, और ये मार्का मार के डिज़ाइन के लिए सिलाई चला दीजिएगा इस तरह से। 3 सिलाई चलाइएगा, डिज़ाइन बन जाएगा। ये सिलाई चल गया मान लीजिए, अब उसके बाद में इसको उस गोल टोपी में जोड़ दीजिए इस तरह से, सेंटर मिला करके सेंटर का कुटका लगा लीजिएगा और इस तरह से आप जोड़ दीजिए। ये जुड़ गया, अब इसको पीछे का गोल काट लीजिए, उसके बाद में एक पतला कपड़ा काट लीजिएगा लंबा सील करके साइड में पट्टी लगा दीजिए चारों तरफ। ये पट्टी लग गया और इस पर एक चाप पे एक सिलाई मार दीजिए एक साइड में मुड़े रहने के लिए। अब उसके बाद में इसमें बेलकोर लगा दीजिएगा इसको सील करके। ये सिलाई करने के बाद में बेलकोर लग जाएगा, बेलकोर लगा दीजिएगा। बेलकोर लगाना मैं वो डिलीट हो गया मेरे से गलती से, बेलकोर लगाने का तरीका नहीं दिखाया इसमें, लेकिन नॉर्मल है। बेलकोर इधर से लगा दीजिएगा, दिखा दूंगा इसमें किस तरह से लगा हुआ है कैप में। कैप बन के तैयार हो चुका है, देख लीजिए इस तरह से कैप बना हुआ है। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।